अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकात। वालेकुम अस्सलाम। हाँ साहब, क्या नाम है आपका? खलील अहमद। माशाल्लाह साहब, आप कहाँ से हैं? मैं यूपी मुजफ्फरनगर। माशाल्लाह साहब, आप उमरा के लिए आए? जी। कौन से एजेंट से वीज़ा लगवाया? हमने ऑल इंडिया हज कमेटी, वो है ऑल इंडिया हज एंड उमरा ट्रेवल से। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल्ली ब्रांच से। हज उमरा की सर्विस कैसी लगी आपको मदीना में? माशाल्लाह, खाना पीना आपके टेस्ट के मुताबिक मिला? बहुत बढ़िया लगा, मदीने में भी और मक्का। माशाल्लाह, जो जो कमिटमेंट किया था माशाल्लाह पूरा हुआ? हाँ जी, किसी चीज़ को परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। भाई साहब, जब आपने पासपोर्ट दिया था वीज़ा लगने के लिए जी। जो तारीख और टाइम बोला गया था वही टाइम पे मिला वापस? जी। माशाल्लाह, और स्टाफ की तरफ से कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया कोऑपरेटिव स्टाफ है। माशाल्लाह, मदीना शरीफ की ज्यारत भी हुई? जी जी। रियाजुल जन्ना में नफिल भी हुई? जी जी। माशाल्लाह, लॉन्ड्री बराबर टाइम पे? हाँ जी। माशाल्लाह। हाँ साहब, आप वापस जाएंगे इंडिया? जी। वहाँ पे जाके दोस्त अहबाब को क्या पैगाम देंगे? जब आप इंडिया जाएंगे वहाँ पे जाके दोस्त अहबाब को क्या पैगाम देंगे इस टूर के बारे में? हमारे यहाँ से मैं फर्स्ट टाइम निकला हूँ अपने गांव में से जी, मुजफ्फरनगर से, वरना बिस्मिल्लाह ट्रेवल्स वाले से आते थे जी। तो इंशाल्लाह समझाना है कि वो बहुत वैसी कंडीशन थी। पिछली बार हम 19 से आए थे, लेकिन फिर हमने इरादा बदला कि हम सर्च किया तो राहत के बारे में, ऑल इंडिया हज एंड उमरा ट्रेवल्स के बारे में पता चला, तो फिर यहीं फाइनल किया इंशाल्लाह अपने मिलने वालों को। कैसी सर्विस लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, और उन्हें भी मशवरा देंगे कि इससे। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको उमरा कबूल करे, मक्का मदीना की बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।